आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के संदर्भ में नोनिया विद्रोह को। जैसा कि बीपीएससी का खास टॉपिक है दोस्तों, और बिहार में जितने विद्रोह हैं, संथाल विद्रोह, नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तो उन्हीं विद्रोहों में से आज हम एक टॉपिक छोटा सा कवर करने वाले हैं, नोनिया विद्रोह, जो कि बीपीएससी की प्री में यानी कि प्रीलियम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार के संदर्भ में आपको यानी कि बिहार स्पेशल में और भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं बीपीएससी के खास टॉपिक की तरफ, जो 2023 की भर्ती है इसमें ये खास टॉपिक रहने वाला, क्वेश्चन काफी बार पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो नोनिया विद्रोह की बात की जाए तो नोनिया विद्रोह की दोस्तों शुरुआत होती है 1770 से 1800 तक, ठीक है, 1770 से सन 1800 तक। नोनिया विद्रोह क्या था और नोनिया लोग कौन थे दोस्तों? जो नोनिया लोग थे, नोनिया लोग यानी कि नोनिया लोगों का एक जाति, एक ऐसी समुदाय, ठीक है, जाति नोनिया जाति है दोस्तों, एक इनका एक समुदाय था, ठीक है दोस्तों, इनका एक समुदाय था, नोनिया लोगों का समुदाय, जो कि जिस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत में, यानी कि ब्रिटिश शासन जिस समय शिकंजा कसे हुई थी भारत पे, उस समय नोनिया लोग जो थे उन्होंने विद्रोह किया था 1770 से 1800, सन 1800 में, ठीक है। तो नोनिया लोगों का मुख्य विद्रोह के कारण क्या हुए, उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए आप मेरे साथ। नोनिया विद्रोह दोस्तों, नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था, नोनिया लोग कौन थे, नोनिया लोग एक सामुदायिक लोग थे, नोनिया एक जाति है यानी कि, ठीक है, एक जनजाति है, और इनके जो समुदाय के लोग थे उस समय, जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, उस समय जो पूरे भारत पे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज्य का शासन था, यानी कि ब्रिटिश का शिकंजा था ब्रिटिश सरकार का, उस समय क्या करते थे नोनिया लोग जो थे, इनके जो समुदाय के लोग क्या करते थे, सोरे से, ठीक है, सोरे की मिट्टी इकट्ठा किया करते थे, यानी कि सोरे को मिट्टी से अलग किया करते थे और कंपनी को बेचा करते थे, ठीक है, बहुत ही कम मूल्य, कंपनी जो थी इनको कीमत जो थी, लागत जो थी काफी कम मूल्य दिया करती थी, फिर भी ये लोग क्या किया करते थे कि सोरे को मिट्टी से अलग किया करते थे। और सोरे का इस्तेमाल किस लिए होता था दोस्तों, तो सोरे का इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बिहार जो था सोरा उत्पादन में एक मुख्य केंद्र था, ठीक है दोस्तों, जब प्लासी का युद्ध चल रहा था उस समय बिहार जो था सोरा उत्पादन में एक मुख्य केंद्र में अपनी अलग भूमिका निभाता है। यही कारण है कि बिहार जो था सोरा को लेके काफी प्रभावित हुआ ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है, ब्रिटिश शासन काल जब दोस्तों था भारत में, जब ब्रिटिश सरकार जो थी शिकंजा कसे हुई थी पूरी तरीके से, उस समय बिहार काफी ज्यादा प्रभावित था इन सब चीजों को लेकर के। तो उस समय की बात है, जो नोनिया लोग थे ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ और कंपनी के व्यापारी के खिलाफ, क्योंकि कंपनी कौन थी, ब्रिटिश सरकार की, और व्यापारी कौन थे, तो ब्रिटिश सरकार के, यानी कि अंग्रेजी व्यापारी और अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ नोनिया लोग जो होते हैं, नोनिया समुदाय के लोग वो जो होते हैं विद्रोह कर देते हैं और सोरा बेचने से उन्हें मना कर देते हैं कम लागत पर, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिये दोस्तों, नोनिया विद्रोह 1770 में 1800 तक चलता है, सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया लोग किया करते थे, ठीक है, सोरे की मिट्टी इकट्ठा करते थे, उसे सोरे को तैयार करने का काम कौन करते थे, तो नोनिया लोग करते थे। और सोरे का इस्तेमाल किस में होता था दोस्तों, तो बारूद बनाने में किया जाता था, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे उसे तैयार करने का काम नोनिया किया करते थे, सोरे का इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता था, ठीक है। प्लासी के युद्ध यानी कि प्लासी के युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का मुख्य केंद्र था, मैंने अभी बताया जब प्लासी का युद्ध चल रहा था उस समय बिहार जो था सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र था, ठीक है, मुख्य केंद्र था। अब यहाँ देखेंगे कंपनी जो थी, कंपनी नोनिया लोग क्या करते थे, सोरा को मिट्टी से अलग करते थे, ठीक है, और ये क्या करते थे, कंपनी को बेचते थे, डायरेक्ट कंपनी को नहीं बेचते थे, मान लीजिए ये नोनिया है ये कंपनी हो गई, ठीक है, ये डायरेक्ट कंपनी को संपर्क नहीं किया करते थे, इनके बीच में जो व्यापारी होते थे वो भी क्या होते थे, ब्रिटिश सरकार के व्यापारी होते थे, यानी कि अंग्रेजी व्यापारी होते थे, अंग्रेजी कंपनी हो गई, अंग्रेजी व्यापारी, ये क्या करते थे, अंग्रेजी व्यापारी नोनिया लोगों से कम लागत पे सोरा खरीदा करते थे और कंपनी में उच्च कीमत पर
बेचा करते थे, ठीक है। इस हिसाब से जो नोनिया लोग थे दोस्तों, उन्हें जो थी बहुत ही कम कीमत यानी कि बहुत ही कम लागत मिलती थी, और यही जो भारतीय मूल के व्यापारी थे उन्हें क्या करती थी कंपनी, उन्हें उच्च दाम पे सोना बेचा करती थी। तो यहाँ जो बात आती है खुलकर की कि नोनिया लोगों ने किस कारण विद्रोह किया। नोनिया लोगों को पता चल चुका था अंग्रेजों की चालाकी के बारे में कि भाई ये तो हमसे कम कीमत पे सोना ले रहे हैं और हमारे ही मूल यानी कि हमारे ही देश के व्यापारी जो है उनको उच्च कीमत पे बेच रहे हैं, यानी कि हम जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते अपने ही मूल के व्यापारी से, अपने ही देश के व्यापारी को हम अच्छी कीमत पे सोना बेच नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी का यहाँ पे विद्रोह किया, कंपनी को सोना बेचने से इनकार कर दिया, और इसी के लिए जाना जाता है नोनिया विद्रोह को, ठीक है। ये नोनिया समुदाय के लोग थे, इन्होंने क्या किया कंपनी का बहिष्कार किया और कंपनी को सोना बेचने से इनकार कर दिया कम लागत पे। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो भारतीय मूल के व्यापारी थे वो नोनिया लोगों को अच्छी कीमत देने के लिए तैयार थे, परंतु जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो जो थे उन्हें बेचने नहीं देते, उनपे शिकंजा कस लिया उन्होंने, नोनिया लोगों पे दबाव बनाया, शोषण किया मजबूरन कि हमें ही आप सोना बेचोगे। इसी कारण को इन्हीं सब चीज बातों को मिला जुला कर हम देखते हैं कि नोनिया लोग जो थे इन्होंने विद्रोह कर दिया 1770 में, और चलता कब तक ये विद्रोह, अच्छा 1800 तक, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा नोनिया विद्रोह के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले संथाल विद्रोह, लोटा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, बिहार में जितने भी विद्रोह हुए हैं ये सब बीपीएससी के खास टॉपिक है, खासकर जो 2023 का दोस्तों जो 2023 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास टॉपिक रहने वाला है। अगर आप लेसन वाइज तैयारी करते हैं तो एक एक टॉपिक को हम इस अगली वीडियो में कवर करते जाएंगे। बने रहिए आप मेरे साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।